आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस तीसरे सत्र की समाप्ति में मैं प्रोफेसर सहस्रबुद्धे चेयरमैन AICTE को और आज जो हमारे बीच आपके साथ में तीन अन्य वक्ता जुड़े, प्रोफेसर नागेश्वर राव, डॉक्टर मिनी शाजी थॉमस और प्रोफेसर भास्कर रामा मूर्ति, आप सभी का मैं बहुत धन्यवाद करता हूं। और हम तथा हमारे साथ जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, आज जितने भी लोग अलग अलग माध्यमों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो सभी आपके इस डिस्कशन से, टेक्नोलॉजी बेस्ड डिस्कशन से बहुत लाभान्वित हुए हैं। एंड वी रियली होप दैट दिस एनरिचिंग एंड इंसाइटफुल डिस्कशन विल गो अ लॉन्ग वे इन डिजाइनिंग टेक्नोलॉजी इनेबल्ड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। थैंक यू सो मच। A brief announcement I would like to make at this point once again. A hashtag has been created, hashtag NEP, Transforming India. So all the participants are requested to tweet their comments or photographs who are watching this conclave at hashtag NEP, Transforming India. अब हम अपने अंतिम सत्र की ओर अग्रसर हो रहे हैं। So I invite all of you to the final session of the day. इस कॉन्क्लेव के अंतिम सत्र में आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। मंत्री जी हमारे साथ बहुत जल्दी जुड़ने वाले हैं, जैसे ही वो ज्वाइन करते हैं हम सेशन का शुभारंभ करेंगे। तो आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। हम आज के इस कार्यक्रम में जो आज संगोष्ठी का NEP पे जो संगोष्ठी की गई है, उस संगोष्ठी का ये अंतिम सत्र है। इस सत्र में हम सभी का स्वागत करते हैं। हमारे ऊर्जावान और यशस्वी माननीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी, राज्य शिक्षा मंत्री श्री संजय धोत्रे जी, सचिव उच्च शिक्षा श्री अमित खरे जी, UGC के अध्यक्ष प्रोफेसर धीरेन्द्र पाल सिंह जी, इस सम्मेलन में भाग ले रहे सभी विद्वत जन, कुलपतिगण, शिक्षकगण, निदेशक, प्राचार्य एवं विद्यार्थियों और अन्य सब अतिथि वक्ता और जितने भी हमारे साथ आज इस कार्यक्रम में अलग अलग माध्यम से लोग जुड़े हैं, उन सभी का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा हम सभी को विदित है, उच्च शिक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में परिवर्तनकारी सुधार विषयक राष्ट्रीय सम्मेलन यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहल है। और जैसा आज सुबह माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि इस शुभारंभ के बाद में देश भर में वेबिनार, डिस्कशंस और अलग अलग चर्चाओं के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा नीति का विस्तार होगा और इसके क्रियान्वयन में हमको सहायता मिलेगी। आज प्रातःकाल के उद्घाटन सत्र में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत ही सार गर्भित वक्तव्य हुआ, जिसमें उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिपेक्ष, प्रक्रिया, परिकल्पना, विस्तार, आयामों तथा उससे होने वाले परिवर्तनकारी सुधारों की चर्चा की। उन्होंने विस्तार से यह भी बताया कि किस प्रकार यह शिक्षा नीति भारत के युवाओं के भविष्य का और राष्ट्र के आर्थिक, सामाजिक विकास और निर्माण में सहायक होगी। वास्तव में यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति नए भारत के निर्माण की भविष्यगामी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है और इसका क्रियान्वयन बहुत ही स्ट्रैटेजिक तरीके से किया जाना है। इसकी भी रूपरेखा के बारे में आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने चर्चा की और हम सभी खुशकिस्मत हैं कि हम इस व्यापक परिवर्तन के साक्षी बनेंगे और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में बहुत ही सक्रिय भूमिका निभाएंगे। आज के सत्रों में हमने माननीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी को भी सुना, राज्य शिक्षा मंत्री श्री संजय धोत्रे जी तथा अन्य विद्वानों को भी सुनने का अवसर मिला। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विभिन्न आयामों पर तीन टेक्निकल सेशंस आयोजित किए गए थे, जिसमें देश के शीर्षस्थ विद्वानों ने और विशेषज्ञों ने अपने अनुभव और ज्ञान और विचार साझा किए। सभी लोग इससे बहुत लाभान्वित हुए। जैसा हम सभी जानते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में वोकेशनल और प्रोफेशनल एजुकेशन पर काफी महत्व दिया गया है। इसके बारे में एम्प्लॉयबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए कई प्रावधान दिए गए हैं। So, National Education Policy 2020 has many provisions for improving employability by integrating vocational education in higher education at graduate level. So, today,
वी आर ऑल्सो गोइंग टू रिलीज गाइडलाइंस फॉर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस टू ऑफर अप्रेंटिसशिप एंड इंटर्नशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम. दीज गाइडलाइंस आर एम्ड टू इम्प्रूव एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ जनरल स्ट्रीम स्टूडेंट्स एंड फॉर द फर्स्ट टाइम ग्रेजुएशन प्रोग्राम इन जनरल स्ट्रीम विल बी डिजाइन टू ऑफर अप्रेंटिसशिप एज पार्ट ऑफ द डिग्री प्रोग्राम. This is also in line with the Union Budget of 2021 announcement, which mentioned that a large number of institutions will offer apprenticeship embedded degree courses. So UGC guidelines have been prepared, और आज हम उसका माननीय मंत्री जी, माननीय राज्य मंत्री जी एवं अन्य अतिथियों के की उपस्थिति में, की गरिमा में उपस्थिति में इसका लोकार्पण भी किया जाएगा. इस समापन सत्र में आज की संपूर्ण चर्चाओं का सार संक्षेप भी हम उपस्थित अतिथियों से सुनेंगे. और इस दिशा में आगे बढ़ते हुए मैं सर्वप्रथम उच्च शिक्षा सचिव श्री अमित खरे जी को उनके संबोधन के लिए आमंत्रित करता हूं. सचिव श्री अमित खरे जी. माननीय मंत्रीगण, उपस्थित सभी साथियों, आज हमने माननीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन प्राप्त किया और विशेष रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो निर्देश दिया कि इस नीति को कार्यान्वित करने के लिए रणनीति के लिए रोड मैप के लिए रिसोर्सेस, यानी एक सिलसिला जो माननीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं, निश्चित रूप से यूजीसी, एआईसीटी और हमारे जो प्रमुख संस्थान हैं सब मिलकर आगे बढ़ेंगे. आई एम नॉट ओनली होपफुल बट वी हैव टू ऑर्गेनाइज सिमिलर वेबिनार्स एट ऑल लेवल्स सो दैट द मैसेज ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर and the details mentioned in the policy reach every nook and corner of the country. मैं आपको बताना चाहूँगा कि नई नीति के क्रियान्वयन के लिए implementation schedule काफ़ी हद तक बन चुका है और इसमें अलग अलग स्थानों पर जो वेबिनार होंगे, आपके जो इनपुट आएंगे, हर सब्जेक्ट पे वेबिनार किया जाएगा. And your inputs will be really very helpful in designing the implementation plan and also the detailed schedule that we have for implementing various items of the policy. I once again thank UGC, Chairman Professor D.P. Singh, Secretary Shri Rajneesh Ji, and all the distinguished participants who addressed us during the day. It was a very successful webinar organized by UGC. My thanks to BP Singh and his entire team. Sir Manjul Bhargav, who took the pain to join us from USA, although it must have been very difficult. It was a night time when we were having daytime here. A special thanks to Professor Manjul Bhargav. थैंक यू वेरी मच. बहुत बहुत धन्यवाद सचिव श्री अमित खरे जी. अब मैं हमारे राज्य शिक्षा मंत्री श्री संजय धोत्रे जी को आमंत्रित करूंगा आपके उद्बोधन के लिए. सभी को नमस्कार. आज का दिन हमारे लिए बहुत ही सौभाग्यपूर्ण और महत्वपूर्ण है. आज हमारे सारे देश के शिक्षा से जुड़े हुए सभी वरिष्ठ, इनको हमारे प्रधानमंत्री जी ने नई शिक्षा नीति के बारे में मार्गदर्शन किया और अभी जो कार्यक्रम होने जा रहा उसमें उपस्थित हमारे मार्गदर्शक और भारत के शिक्षा मंत्री आदरणीय डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, चेयरमैन यूजीसी प्रोफेसर डीपी सिंह जी, अमित खरे जी सेक्रेटरी हायर एजुकेशन, रजनीश जैन जी, भास्कर जी डायरेक्टर IIT मद्रास, उपस्थित सभी
वरिष्ठगण, सभी विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर, डायरेक्टर, प्रिंसिपल्स और सभी मेरे भाई बहन, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जो ट्रांसफॉर्मेशनल रिफॉर्म नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाने जा रही है उस पर बहुत गहरा मंथन हो रहा। उच्च शिक्षा लेने के पश्चात जॉब मार्केट में आने वाला युवक स्किल और इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट दोनों मैच होनी चाहिए, तभी रोजगार निर्मिति का कार्य असरदार होगा। एकेडमिक नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल स्किल्स भी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए यूजीसी द्वारा तैयार की गई अप्रेंटिसशिप, इंटर्नशिप, एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम संबंधी गाइडलाइंस आज जारी की जा रही है। यह बहुत खुशी की बात है। यह मेरा मानना है कि विद्यार्थियों को रोजगार क्षमता को बेहतर बनाने हेतु एक नई दृष्टि से आवश्यकता है, जिसका रोजगार परक पाठ्यक्रम का समावेश हो। उच्चतर शिक्षा को उद्योग और कार्य की आवश्यकताओं के साथ जोड़ने में अप्रेंटिसशिप की प्रमुख भूमिका होती है। इस दिशा निर्देश का लक्ष्य स्नातक के सामान्य डिग्री कार्यक्रम कर रहे विद्यार्थियों की रोजगार क्षमता में सुधार लाना और उच्चतर शिक्षा प्रणाली और उद्योग के बीच पारस्परिक संवाद और सक्रिय संबंध को भी प्रोत्साहन देना है। आशा करता हूँ कि यह रोजगार क्षमता के अंतर को दूर करने की दिशा में आवश्यक कदम उठाने में मददगार होगा। दिस डिग्री प्रोग्राम विल फोकस ऑन इंडस्ट्री लेड, प्रैक्टिस ओरिएंटेड एंड स्टेप्स टुवर्ड ब्रिजिंग द गैप बिटवीन एम्प्लॉयमेंट एंड एम्प्लॉयबिलिटी। आई रिक्वेस्ट आवर यूनिवर्सिटीज टू कम फॉरवर्ड टू इंट्रोड्यूस अप्रेंटिसशिप, इंटर्नशिप, एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम फॉर द जनरल डिग्री कोर्सेस इन लार्ज नंबर टू क्रिएट अ स्ट्रांग इकोसिस्टम ऑफ वर्क बेस्ड एक्सपीरियंस अलॉन्ग विथ एकेडमिक क्रेडिट्स। और अभी हमारे सचिव अमित खरे जी जो बात कर रहे थे, जिस तरह प्रधानमंत्री जी ने हमें आदेश दिए कि इस काम को ये नीति की एक रणनीति बनाना पड़ेगा, उसका रोड मैप बनाना पड़ेगा, और इसलिए आज जो एक वेबिनार हुआ उसी तरह हमको अलग अलग क्षेत्रों में भी इसको विकेंद्रित रूप से करना पड़ेगा। तो मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे मार्गदर्शक आदरणीय डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी के नेतृत्व में, इनके मार्गदर्शन में ये कार्य हम यथाशीघ्र शुरू भी करेंगे और उसको टाइम बाउंडेड मैनर में हम पूरा भी करेंगे। मैं आज ये गाइडलाइंस जो प्रस्तुत हुई इसके लिए हमारे यूजीसी चेयरमैन डीपी सिंह जी, रजनीश जी, इनको भी बधाई देता हूँ और आपको सबको धन्यवाद देते हुए और शुभकामनाएं देते हुए मैं मेरे शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं हमारे माननीय शिक्षा मंत्री और माननीय राज्य मंत्री से अनुरोध करूंगा कि आप हमने जिस अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड गाइडलाइंस को डेवलप किया है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन का ही एक एक पहलू है, उसको लोकार्पित करने के लिए आप हमारी इस अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड गाइडलाइंस के डॉक्यूमेंट को लॉन्च करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सर। अब मैं हमारे माननीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल जी से सादर अनुरोध करूंगा कि वो अपने आशीर्वचन से हमें उद्बोधित करें। आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में उपस्थित मेरे सहयोगी और जो बहुत सरल और प्रखर व्यक्तित्व के धनी हैं, श्री संजय धोत्रे जी, हमारे सचिव श्री अमित खरे जी,
जिनके रात दिन अथक प्रयासों से हम नई शिक्षा नीति को सामने ला पाए हैं, और यूजीसी के चेयरमैन धीरेन्द्र मधुर जी, प्रोफेसर डीपी सिंह जी, धीरेन्द्र मधुर जी ही मैं बोलता हूँ इनको, तो इनके और इनकी टीम के भी बहुत प्रयास से जो आज ये नई शिक्षा नीति 2020 आ पाई है, और हमारे अन्य सभी यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि भास्कर जी सहित बहुत सारे हमारे आईआईटीज के निदेशक और विश्वविद्यालयों के सभी कुलपतिगण और सभी हमारे वरिष्ठ प्रोफेसर और प्रिंसिपलगण सब जुड़े हुए हैं शिक्षाविद। मुझे इस बात की खुशी है कि आज प्रधानमंत्री जी ने जिस बात को कहा है कि जो ये जो नई शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, पूरे देश के अंदर बहुत अच्छा परिवेश है, और जहाँ तक मुझे लगता है कि जिस तरीके से हमारे सभी कुलपतिगण ने, निदेशकगण ने, पूरी टीम ने इस शिक्षा विभाग के इस परिवार ने इस नई शिक्षा नीति को अध्ययन करके उस पर लेखों को लिखा है, सोशल मीडिया में लिखा है, मैंने सभी लोगों के लेखों को पढ़ा है, और मुझे गौरव महसूस होता है कि हमारी जो ये टीम है, जो जिसके कंधों पर इस देश की महत्वपूर्ण शिक्षा का भार है, जो भारत के भविष्य के निर्माण में एक शिल्पी का काम कर रहे हैं, प्रेरक का काम कर रहे हैं, वो लोग इस शिक्षा नीति से बहुत अच्छे से परिचित ही नहीं है, बल्कि लोगों तक भी लेख के माध्यम से और अपने सोशल मीडिया के माध्यम से, भिन्न भिन्न माध्यमों से आपने जिस तरीके से इस नई शिक्षा नीति को लोगों तक ले जाने का काम किया है, सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूँ, और मुझे बहुत गौरव है, महसूस होता है कि जैसे मैंने पिछली बार भी कहा कि इस शिक्षा के परिवार ने विषम और विपरीत परिस्थितियों में चुनौतियों का मुकाबला करके उसको अवसरों में तब्दील किया है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण और उदाहरण कोरोना के संकट काल से जिस तरीके से आप लोग गुजर रहे हैं, गुजरे हैं, और हर चुनौती का मुकाबला करके और आप एक योद्धा की तरह आगे बढ़ते जा रहे हैं, ये छोटी बात नहीं है। हिंदुस्तान 130 करोड़ लोगों का देश, और अमेरिका की कुल आबादी जितनी नहीं है उससे ज्यादा यहाँ पर 33 करोड़ से भी अधिक छात्र और छात्राएं हैं। इनको संभाल पाना, जबकि बच्चे घर पर कैद हो गए हों, छात्र छात्राएं, और ऐसी परिस्थिति में उनको ऑनलाइन पर लेकर के आना, ये छोटी और सहज बात नहीं है, ये पूरी दुनिया में एक अद्भुत उदाहरण आपने प्रस्तुत किया है। आज सुबह हमारे प्रधानमंत्री जी का हमको मार्गदर्शन मिला है, और जो उनको हम आपको मार्गदर्शन मिला है, उस मार्गदर्शन के अनुरूप मुझे भरोसा है कि आप उस दिशा में लगातार आपने मन भी बना दिया होगा, काम भी करेंगे, और जिस तरीके से आज दिन भर ये समापन सत्र आप कर रहे हैं, लेकिन मैं देख रहा था कि समग्र बहु विषयक और अत्याधुनिक शिक्षा के बारे में प्रोफेसर धीरेन्द्र पाल सिंह जी अध्यक्ष यूजीसी की अध्यक्षता में, प्रोफेसर एमके श्रीधर जो सदस्य भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रारूप समिति के, और वक्ताओं में प्रोफेसर नजमा अख्तर कुलपति जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली, और वो भी वक्ता के रूप में थे, और प्रोफेसर ई सुरेश कुमार कुलपति इफ्लू ये हैदराबाद, एक सत्र पूरी तरीके से विभिन्न वक्ताओं सहयोगियों के विचारों के साथ इस महत्वपूर्ण विषय पर आपने विचार विमर्श किया है। मुझे भरोसा है कि डीपी सिंह साहब जो लोगों के विचार आए होंगे इस दिशा में, उसको संग्रहित करके और लोगों तक भी पहुंचेंगे। अनिल सहित बुद्धि जी भी अभी जुड़े हैं, उन वो भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, और उसके बाद जो फिर तीसरा सत्र हुआ है वो गुणवत्ता युक्त अनुसंधान को उत्प्रेरित करने जैसे विषय पर हमारी प्रोफेसर के विजय राघवन जो प्रधानमंत्री जी के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार हैं उनकी अध्यक्षता में हुआ है, और प्रोफेसर मंजुल भार्गव इसमें हमारे साथ अमेरिका से जुड़े जो शिक्षा नीति के सदस्य के रूप में रहे हैं और वक्ताओं के रूप में
प्रोफेसर भूषण पटवर्धन जी जो उपाध्यक्ष हैं हमारे यूजीसी के, प्रोफेसर अनुराग कुमार जो पूर्व निदेशक IISc बेंगलुरु के हैं, उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए और तमाम सहयोगियों ने उस बिंदु को बहुत आगे बढ़ाया, क्योंकि गुणवत्ता युक्त अनुसंधान को उत्प्रेरित करना ये आज की परिस्थितियों में हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उसके बाद जो अगला सत्र था वो अगला सत्र शिक्षा के उचित विस्तार के लिए प्रौद्योगिकी का न्याय सम्मत प्रयोग, इस दिशा में जो AICTE के हमारे चेयरमैन हैं प्रोफेसर अनिल सहस्रबुद्धे, उनकी अध्यक्षता में प्रोफेसर भास्कर राममूर्ति जी निदेशक IIT मद्रास और प्रोफेसर नागेश्वर राव कुलपति इग्नू और डॉक्टर मिनी साजिद थॉमस निदेशक NIT तिरची, इनके पारस्परिक चर्चा में जो ये अलग अलग सत्र स्थापित हुए हैं, इस पर विचार विमर्श हुआ है। निश्चित रूप में आज के संदर्भ में जबकि भारत देश की आज़ादी के बाद नहीं बल्कि सैकड़ों सैकड़ों की गुलामी के बाद, सैकड़ों वर्षों की गुलामी के बाद अपने प्रकार की भारत केंद्रित और ज्ञान विज्ञान अनुसंधान के क्षेत्र में विश्व की प्रतिस्पर्धा पर आने वाली अपनी शिक्षा नीति को लेकर के आ रहा है, ऐसे वक्त पर इन महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करना बहुत ही महत्वपूर्ण था। और जिसको प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है, प्रधानमंत्री जी को यदि विशेष करके जो उनका प्रौद्योगिकी पर ज़्यादा हमेशा ध्यान रहा है, उन्होंने ये कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रौद्योगिकी को हम कैसे करके वो कर सकें, उस इस बात की भी पूरे देश के अंदर खुशी है कि अब छात्र अपने बारे में निर्णय लेगा, हम उस पर थोपेंगे नहीं, वो जिस भी विषय को ले सकता है वो ले करके और आगे बढ़ सकता है। और उसको जो क्रेडिट बैंक है इसका भी प्रचार थोड़ा सा करें कि उस छात्र के हित में बहुत बड़ा निर्णय हुआ है ये, और ये नीति से उसको बल मिलेगा, उसका समय बर्बाद नहीं होगा और उसका मन कमजोर नहीं होगा, उसको जरूरत पड़ती है कि एक बार छोड़ करके उसको वो समय में भी चाहे वो उसको सर्टिफिकेट मिले, डिप्लोमा मिले, डिग्री मिले, लेकिन यदि बीच में छोड़ के जाता है तो दोबारा वो अपने क्रेडिट के आधार पर वो अपनी शिक्षा को शुरू कर सकता है, उसके भविष्य के साथ कोई अन्याय नहीं होगा। तो ये जो उसके मन के अंदर एक नया उत्साह आएगा, उमंग आएगा, वो भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। शोध और अनुसंधान के क्षेत्र में भी हमेशा प्रधानमंत्री जी ने बहुत गंभीरता से उस बात की चिंता की है कि अभी हमको बहुत तेजी से बढ़ना है, क्योंकि जब जब भी हम अपने इन संस्थानों का विश्व के पलक पर चाहे वो QS रैंकिंग हो, टाइम्स रैंकिंग हो या अन्य जो भी मानक हैं, वहाँ कहीं ना कहीं हम शोध और अनुसंधान की दिशा में कहीं अभी कमजोर हैं। और मुझे भरोसा है कि हम उस क्षेत्र में भी अपनी ऊंची उड़ान को भरेंगे और NRF जो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनेगा वो इसका रास्ता बहुत तेजी से मजबूती से के साथ वो आगे बढ़ाएगा। जो प्रधानमंत्री जी की चिंता रही है और वही मालवीय जी की भी हमेशा चिंता थी, मैंने विवेकानंद को पढ़ा, चाहे मौलाना आजाद को पढ़ा, चाहे देश के जो राष्ट्रपति रहे हैं पूर्व राष्ट्रपति राधाकृष्णन जी रहे हैं, सब ने इस बात पर जोर दिया कि जो भी व्यक्ति जो भी समाज अपनी जड़ों से कटता है वो अधिक दिनों तक जीवित नहीं रह सकता। और उन्होंने कहा था कि ये जो अपनी जड़ों से हटता है, कटता है, वो कटी हुई पतंग की तरह होता है कि वो आसमान में तो दिख रहा है लेकिन वो किस कगार में जाकर के गिरेगा उस कटी हुई पतंग को भी पता नहीं है, लेकिन जमीन पर खड़े होकर के आसमान को छूने की जो अभीप्सा है वो हमारी नीति है, वो हमारी शिक्षा नीति है। इसलिए मूल्य परक जो शिक्षा है, यदि जब हम ये कहते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर इस सदी की ये सबसे खूबसूरतम शिक्षा नीति है, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा मील का पत्थर जो जीवन मूल्य है, जो मानवीय मूल्य है, क्योंकि जिस आदमी की प्रगति कर रहा है यदि उसमें संवेदना ही नहीं रहेगी, मानवता ही नहीं रहेगी, उसके जीवन मूल्य ही नहीं रहेंगे, तो हम मशीन बना रहे हैं उसको। और इसलिए जो हमारी दुनिया के अंदर खूबसूरती रही है, जिसने हमें वसुधैव कुटुंबकम की बात की है, जिसमें सर्वे बंतु सुखिनः की बात की है, जिसमें हम असतो मा सद्गमय की बात करते हैं, जिसमें ज्योतिर
ज्योति की ओर जाकर के अंधेरे को मिटाने की बात करते हैं, ये सहज सामान्य बात नहीं है। इसलिए जो हमारे प्रधानमंत्री जी की भी चिंता रही है कि हम पूरे विश्व के फलक पर जाएं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा में नंबर एक आए, लेकिन अपनी जड़ों को ना छोड़ें, आप अपने को भूले नहीं, अतीत को वर्तमान से जोड़ना, जो हमारा ज्ञान विज्ञान अनुसंधान है पीछे से, उस अनुसंधान ज्ञान को वर्तमान से जोड़ करके और भविष्य के नवाचार के साथ छलांग मारना, ये बहुत जरूरी है। यदि इस पूरी शिक्षा नीति का मूल सूत्र है, क्योंकि कोई भी देश कोई भी व्यक्ति किसी की नकल पर नंबर एक नहीं हो सकता है, उसकी कुछ तो अपने देने की अभीपसा हो, कुछ तो ताकत हो उसको अपने देने की, और हमें अपने देने की ताकत है पूरी दुनिया को। तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय इस देश का प्रमाण है कि वो सारी दुनिया को देने की क्षमता रही है। आज भी हमारा भास्कराचार्य हो वैज्ञानिक, वो चाहे वो पतंजलि हो, चाहे भाषा के क्षेत्र में हो, और चाहे विज्ञान के क्षेत्र में हो, चाहे गणित के क्षेत्र में आर्यभट्ट हो, मैं सोचता हूँ कि वो वैज्ञानिक हमारे पास थे, अभी भी हमारे पास वो थाती है जिसका विश्लेषण करने की जरूरत आ पड़ी है, जो पूरी दुनिया की और मानवता के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। और इसलिए ये अपनी जड़ों से जुड़े रहना ये बहुत जरूरी है, और भारत में श्रेष्ठ क्या है और उसको दूसरे को कैसे करके हम दे सकते हैं, क्योंकि हम तो वसुधैव कुटुंब वाले लोग हैं, हम दूसरों के लिए देने के लिए हमेशा तत्पर रहे हैं। तो इसलिए रोजगार से भी कैसे इन सब चीजों को जोड़ा जा सकता है, जो उनकी चिंता रही है कि पुरातन जो पुरातन है और श्रेष्ठ है उसको न छोड़ें, और पुरातन को नूतन से जोड़ करके ज्ञान विज्ञान अनुसंधान पारंपरिक कला जो हमारे धरोहर हैं उनका किस तेजी से समन्वय करके और आगे बढ़ा सकते हैं हम लोग, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। यहाँ पर हमको अपना मन भी बनाना पड़ेगा और मन बना करके उस दिशा में दौड़ना भी पड़ेगा। मुझे इस बात की भी खुशी है कि मैं पीछे से देख रहा था, पीछे 5 सालों में यदि देखेंगे तो हम 2014 में जो भारत रैंकिंग इनोवेशन के उसमें भी थे, हम तो 81 नंबर पर थे, इस समय हम 52 स्थान पर वहाँ पर हैं, हमने वहाँ भी बहुत छलांग मारी है। उच्च शिक्षा के सकल नामांकन में हम यदि 14-15 को देखें कि 24.3% थे, जो हम 26.3 से 27 लगभग हो गए हैं। 14-15 में हम लोग जो विश्वविद्यालयों की संख्या हमारी 711 थी, आज 1028 से भी अधिक विश्वविद्यालय हमारे इन 4-5 सालों में हुए हैं। और IITs के क्षेत्र में मैं सोचता हूँ कि पहले जो छात्राओं की संख्या थी, बालिकाओं की संख्या थी 15-16 में 1871 थी, और ये 1871 आज बढ़ करके ये 19-20 में 3411 हो गई है। तो बालिकाओं की शिक्षा में भी हमारी गवर्नमेंट पूरी ताकत के साथ और बड़ी पारदर्शिता के साथ आगे आ रही है। मैं सोचता हूँ चाहे शिक्षकों के उसका विषय हो कि शिक्षकों के 15-16 में तो 5410 की तुलना में इस समय 1,75,301 शिक्षकों को जो है मालवीय मिशन से प्रशिक्षित किया, और अभी ये अभियान जारी है कि जो अभी नया कार्यक्रम दिया है, और UGC ने लगातार इस दिशा में क्या, AICT ने भी लगातार नए नए अभिनव प्रयोग किए हैं, कार्यक्रम दिए हैं, IO की दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, और ये हमारे लिए एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण संस्थाएं होंगी जो सारे विश्व के शिखर पर हिंदुस्तान का नाम ऊंचा करेंगी। हीफा हमारे लिए एक हमारे सरकार ने हमको एक हीफा हमको अवस्थापनाओं के विकास की दिशा में जो 2022 तक 1,00,000 करोड़ रुपए का निवेश उसमें होगा, वो भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी आधारशिला होगी। स्टडी इन इंडिया के तहत में देख रहा था 18-19 में कुल 780 छात्र थे, आज 3,164 साल 19-20 में भर्ती हुए, और इस समय लगभग 5,000 से भी उसकी संख्या ज़्यादा हो गई थी। लेकिन अब तो जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, हमने स्टडी इन इंडिया और स्टे इन इंडिया इन दोनों चीजों को किया है, जो 8,00,000 छात्र बाहर जाता है, आखिर कौन सी कमी है। मैं समझता हूं कि हमारे संस्थान बहुत सक्षम संस्थान है, एक परिवेश बनाने की जरूरत थी, और अब जो कोई कमी रही है वो कमी इस नई शिक्षा नीति से आने से वो कमी भी दूर हो गई है। इसलिए यहाँ की जो प्रतिभा और पैसा ये दोनों जो बाहर चले जाते हैं,
संभवतः लगभग लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपया प्रति वर्ष हिंदुस्तान का बाहर जाता है, जो प्रतिभाएं बाहर जाती हैं फिर लौट करके नहीं आते हैं, इस देश को दोहरी क्षति होती है। उनकी प्रतिभा का उपयोग पूरी दुनिया कर रही है। अब जब यहाँ रोकेंगे तो यहाँ का पैसा भी बचेगा, यहाँ रहेगा और यहाँ की प्रतिभा भी रहेगी, और उन प्रतिभा के आधार पर देश विकास विकसित ये नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपने शिखर पर पहुंचने के लिए किया। मैं अभी देख रहा था कि चाहे वो भारतीय प्रबंधन संस्थानों को 7 से लेकर के इन 5 साल में 16 करने का विषय रहा हो, बहुत सारे इन 5 वर्षों में जिस तरीके से आमूलचूल परिवर्तन हुआ है, और अब ये जो नई शिक्षा नीति आ रही है ये भी एक नए इतिहास को रचेगी, मेरा भरोसा है। क्योंकि इसकी पूरी दुनिया में जिस तरीके से इस समय चर्चा हुई है, और शायद ये पहली ऐसी शिक्षा नीति है 99% लोगों ने इसकी तारीफ की है, 99% लोगों को लगा कि अब हिंदुस्तान में कुछ और होने वाला है, ये छोटी बात नहीं है। और इसलिए आप सब लोगों को मैं इस बात की बधाई देना चाहता हूँ। आज जो ये इसका लोकार्पण किया है UGC के चेयरमैन साहब को, उनके सचिव को, उनकी पूरी टीम को मैं बधाई देना चाहता हूँ। ये अप्रेंटिसशिप इंटर्नशिप युक्ति डिग्री कार्यक्रम में हमारे माननीय मंत्री जी संजय जी ने बहुत विस्तार पूर्वक इस बारे में प्रकाश डाला है। मैं जरूर चाहूँगा कि इसका उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा हो, और ये जो इसके जो लाभ हैं, जिन छात्रों को इसका लाभ मिलना है वहाँ तक इसकी पहुँच हो, वहाँ तक इसकी सूचना हो। मैं एक बार फिर इस समापन अवसर पर बस सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि इसके बाद जो एक आगे 3 महीनों के लिए पूरे देश के अंदर NEP होना चाहिए, पूरे देश के अंदर केवल और केवल शिक्षा होना चाहिए। यदि 33 करोड़ छात्र हैं तो 33 करोड़ छात्र का मतलब यदि माता पिता भी करें तो वो 66 और 66 और 33 99 करोड़ होते हैं। 100 प्रतिदिन आप 100 करोड़ लोगों को स्पर्श करते हैं। ये 3 महीने तक आप केवल देश के अंदर क्या है शिक्षा, ऐसा माहौल हो जाना चाहिए, आधा मन वैसे ही बदल जाना चाहिए। और मैं अमित जी को कहूंगा कि एक बार इस पूरी टीम के साथ बैठ करके जिस पर आर्थिक बोझ नहीं पड़ना है, आपने प्लान बनाया भी है, आपके दिमाग में भी है कि जिस पर आर्थिक बोझ नहीं पड़ना है, जो हम जो नई शिक्षा नीति में लेके आए हैं, जो प्रशासनिक आदेशों से और पारस्परिक समन्वय से है, जो बहुत तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। मैं संजय जी से कहूंगा कि अमित जी के साथ बैठ करके कुछ इन बिंदुओं पर चर्चा भी करेंगे, और फिर हम लोग जब भी अमित जी एक टीम बना देंगे ताकि हम जल्दी से जल्दी देश को ये बताना चाहते हैं कि हम नीति लेकर के ही नहीं आए, हम उसकी रीति भी लेकर के आए हैं, उसका रास्ता भी लेकर के आए हैं। और जैसे कि अमित जी ने बताया, अमित खरे जी ने बताया कि हम लोग इसके क्रियान्वयन का बिल्कुल हमने रोड मैप तैयार कर रखा है, अब वो दौड़ना हमने उस पर। और प्रधानमंत्री जी ने भी इस बात की चिंता की कि सबको किसी ने भी हमारी इस नीति पर कोई सवाल नहीं किया, सबके मन में ये अच्छा क्रियान्वित होता है कि नहीं होता है, क्रियान्वित करने के लिए ही हम नीति को लाए हैं। मुझे भरोसा है हमारे प्रधानमंत्री जी के संरक्षण में हमारी ये पूरी टीम ये साबित करेगी कि यदि हम नीति लाते हैं तो हम उसको क्रियान्वित भी करते हैं। आज सुबह में चर्चा कर रहा था कि जो 1986 में नीति बनी थी, 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति का क्रियान्वयन 92 में हुआ, जब 1986 में नरसिंहा राव जी जब शिक्षा मंत्री थे उस समय उस नीति को लाया गया। लेकिन मैं उसका ड्राफ्ट देख रहा था कि उसके बाद जो 92 में उसका क्रियान्वयन का रास्ता अपनाया गया, का मतलब 86 से 86 87 87 88 88 90 90 91 तक इन 5 सालों तक 4 सालों तक किसी ने उसकी चिंता ही नहीं की। अब मैं ये समझता हूँ वक्त हमारे पास कम है, मैदान हमारे पास खाली है, लोगों के मन बने हैं, व्यवस्थाओं की दृष्टि से हम क्या क्या समन्वय कर सकते हैं, कितने कम समय में कर सकते हैं। जैसे प्रधानमंत्री जी ने चाहा कि हर कॉलेज, हर विश्वविद्यालय, जो विश्वविद्यालयों के अंदर जितने कॉलेज हैं, विश्वविद्यालय इसको तय करे कि वो अपने हर विभाग में सेमिनार करे, अच्छा है,
चर्चा होनी चाहिए, परामर्श होना चाहिए, हम एक नई दिशा में नई छलांग मारने के लिए तैयार हैं, सबको मन से तैयार होना चाहिए। और इसलिए पूरा विश्वविद्यालयों के अंदर सेमिनार शुरू हो जाए, महाविद्यालयों के अंदर सेमिनार शुरू हो जाए और राज्यों के भी अंदर जो है फिर उस तरीके से सेमिनार शुरू हो जाए। मैं समझता हूँ जिस दिन ये हो जाएगा आदि समस्याओं का समाधान वही हो जाएगा। और बाकी जो क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी का हमको आशीर्वाद है और उन्होंने आज हमको आश्वासन भी दिया, मैं चट्टान की तरह आपके पीछे खड़ा हूँ, आपके साथ हूँ। तो प्रधानमंत्री जी का ये कहना कि इस नीति को क्रियान्वित करने के लिए मैं पूरी ताकत के साथ आपके साथ खड़ा हूँ, ये हमारा सौभाग्य है कि उनका हमेशा हमको मार्गदर्शन मिल रहा है। आज सुबह से लेकर के और अब तक जो भी चर्चाएं हुई हैं वो देश के भविष्य के निर्माण के आधारशिला बन करके रहेंगे, ऐसा मेरा भरोसा है। क्योंकि आप सब लोगों ने परामर्श किया, विचार विमर्श किया और इसको वहां तक क्रियान्वित करने की तो आधारशिला ही आप हैं। आप सब लोगों का मन बन करके किस तेजी से के साथ हमने इसको वहां तक लेकर के जाना है। जो जो संस्थान है हमारे IIT हैं, IIIT हैं, ISR हैं, NIT हैं, SPA हैं, हमारे विश्वविद्यालय हैं, इन सभी बड़े संस्थानों को क्या क्या वो अपने क्षेत्र में कर सकते हैं, यदि एक महीना डेढ़ महीने के अंदर वो बता दें हमको कि डेढ़ महीने के अंदर वो इसकी समीक्षा करें, बैठक करें और उसके बिंदुओं को तय करें कि हाँ जो नई शिक्षा नीति में ये सुनिश्चित हुआ है, इस नई शिक्षा नीति में हम ये इतने में समय में कर सकते हैं, जिस पर बहुत ज्यादा अवस्थापनाओं की जरूरत नहीं है, जिसमें बहुत ज्यादा धन की जरूरत नहीं है। और मुझे भरोसा है कि मैं जब भी अपने इस पूरे परिवार के मुखिया लोगों के साथ बातचीत करता हूं तो मुझे गौरव महसूस होता है कि जब भी जिसको भी जो काम सौंपा, जो भी बताया, संकेत मात्र से सब लोग एकजुट होकर के। और इस समय में DP सिंह साहब से बात कर रहा था कि हमारा जो ये परिवार है, शिक्षा का परिवार पूरे भारत का एकजुट है और उसने अभी एकजुटता दिखाई है, हर दिशा में एकजुटता दिखाई है। तो मैं समझता हूँ ये हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि हमारा जब परिवार एक रहता है, एकजुट रहता है, तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। जिस परिवार में एकजुटता नहीं रहती है, मिशन मोड नहीं रहता है, वो परिवार बहुत जल्दी टूटता है। हमारा परिवार मजबूत है और वो परिवार है जो पूरे देश को दिशा देने की ताकत रखता है, विषम परिस्थितियों में मार्ग निकाल सकता है और जिसको भारत के भविष्य के निर्माण के लिए आज लोगों ने, सरकार ने हमको चिन्हित किया है। हम यहाँ पर बैठे हुए हैं कि हम अपने पीढ़ी का निर्माण करेंगे राष्ट्र। हमको इससे बड़ा सौभाग्य क्या मिल सकता है कि हम राष्ट्र के निर्माण की दिशा में आधारशिला बन करके काम कर रहे हैं, जुटे हुए हैं उस दिशा में। मैं एक बार फिर आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद और मेरी शुभकामना, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुखर्जी जी आपके उद्बोधन के लिए, आपके मार्गदर्शन के लिए और जो विश्वास आपने हम लोगों पे जताया है, हम उम्मीद करते हैं कि आपके विश्वास को पूरा करेंगे और एक समयबद्ध तरीके से, चरणबद्ध तरीके से इस नीति के क्रियान्वयन की हम पूरी पहल करेंगे। और हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि बहुत ही शीघ्र अल्प समय में ही इसके क्रियान्वयन की पहल शुरू हो जाएगी। इसके क्रियान्वयन की पहल वास्तव में आज आपके ही कर कमलों द्वारा शुरू हो गई है, जिस तरीके से आपने आज ये अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड गाइडलाइंस का लोकार्पण किया है, यही क्रियान्वयन की दिशा में ही पहला कदम है जो वोकेशनल एजुकेशन को आगे बढ़ाएगा। अब मैं इस कार्यक्रम के अंत में हमारे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग परिवार के अध्यक्ष प्रोफेसर DP सिंह को साहब को आमंत्रित करूंगा, मगर उसके पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट मैं पूरा करना चाहूंगा। हमने ट्विटर पे एक हैशटैग क्रिएट किया है, #NEP ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो सभी पार्टिसिपेंट, जितने भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं इस समय, आप सभी से अनुरोध है कि इस हैशटैग पे अपना कमेंट ट्वीट करें और जो फोटोग्राफ देख रहे हैं उसको भी ट्वीट करें। I once again request all the participants to tweet their comments or photos who are watching this conclave at the hashtag NEP Transforming India. अब मैं UGC के अध्यक्ष प्रोफेसर DP सिंह साहब को उनके क्लोजिंग रिमार्क्स और वोट ऑफ थैंक्स के लिए सादर आमंत्रित करता हूँ। माननीय मंत्री जी, माननीय राज्य मंत्री जी, माननीय सचिव जी, हमारे साथ में देख रहा हूँ कि AICT के हमारे सम्मानित चेयरमैन प्रोफेसर सरस्वती जी,
और पूरा रात्रि जागरण करके हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रोफेसर मंजन भार्गव जी, और पूरे देश भर के संस्थानों के अभी भी हमारे कुलपति साथी गण, प्राचार्य गण, शिक्षाविद, विभिन्न इंस्टीट्यूट बॉडीज के मेंबर, सेक्रेटरी और चेयरपर्सन, ये सभी सभी जुड़े हुए हैं। मैं सबसे पहले तो आप सभी का इस सत्र में भी अभिनंदन करता हूँ और साधुवाद भी देता हूँ। मैं तो माननीय मंत्री जी का मार्गदर्शन हमको मिल चुका है, और उससे पहले माननीय राज्य मंत्री जी ने बहुत अच्छे तरीके से जो हमारे ये गाइडलाइंस यूजीसी की निकली है, जिसके आपके कमलों के द्वारा आज इसका लोकार्पण हुआ है प्रदेश के सामने, और जैसा कि हमारे प्रोफेसर रजनी जैन साहब ने बताया कि इस तरह से क्रियान्वयन जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं आह्वान किया है और उसकी शुरुआत बिल्कुल हो गई है, और ये गाइडलाइंस अब देश को समर्पित है, और आज ही ये हमारी वेबसाइट पर अपलोड भी हो जाएगी, जिसका लाभ पूरे विश्वविद्यालय महाविद्यालय उठा सकते हैं, और इसका पूरा रोजगार प्रशिक्षा, स्किल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयबिलिटी, इस पर बहुत बड़ा इसका रोल रहेगा इन तरह की गाइडलाइंस का। अमित खरे साहब का रोल बहुत इम्पोर्टेंट रहा है, वो बड़े फोकस्ड और बहुत ही टैलेंटेड हमारे ऑफिसर हैं, और बहुत कम शब्दों में काफी कुछ चीजें कहते हैं, बताते हैं, करते हैं, तो उनका मार्गदर्शन हमारे प्रदेश में रहा है वेबिनार के। माननीय मंत्री जी, मैंने कुछ घंटे पहले ये जानकारी हासिल करने की कोशिश की कि हमारे कितने लोगों ने सोशल मीडिया पे आज का ये कार्यक्रम देखा है माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन हुआ, तो लगभग 3 घंटे पहले जो हमको जानकारी मिली है वो 8,49,000 लोग इसको केवल सोशल मीडिया पर देख चुके हैं, जो कि ट्विटर है, फेसबुक है, यूट्यूब है, बाकी डीडी न्यूज और दूसरे चैनल्स के माध्यम से तो करोड़ों लोगों ने देखा होगा। तो ये दर्शाता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति और माननीय प्रधानमंत्री जी का यशस्वी नेतृत्व, आपका कुशल मार्गदर्शन, राज्य मंत्री जी का सहयोग, ये सब मिलकर के भारत की का शिक्षा का जो एक नया इतिहास लिखा जा रहा है उसके साक्षी बन रहे हैं, और लोगों को माननीय मंत्रों में अगर जो मेरी सब लोगों कुलपतियों से, महाविद्यालय के प्राचार्यों से, शिक्षाविदों से बहुत चर्चा होती है, एक लोगों में विश्वास जागृत हुआ है, लोगों को लग रहा है कि जो कुछ कहा जा रहा है वो किया जा रहा है, क्योंकि लोगों ने महसूस किया है कि कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर रहता है, और इसलिए बहुत सी चीजें कागजों पर होती है और वो क्रियान्वित नहीं हो पाती। लेकिन जैसा कि आपने आह्वान किया है, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी सुबह कहा है, हम लोग पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं, कटिबद्ध हैं, और समयबद्ध तरीके से इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जो विभिन्न पहलू हैं उनके क्रियान्वयन की दिशा में जो कुछ भी अपेक्षित है वह हम करने की कोशिश करेंगे, और पूरे 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 डेडिकेशन के साथ करेंगे, पूरे समर्पण भाव के साथ करेंगे, क्योंकि ये राष्ट्र की पीढ़ियों के निर्माण के लिए, नए भारत के निर्माण के लिए, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए, और विश्व में इस भारत को एक राष्ट्र के रूप में, एक विकसित राष्ट्र के रूप में, एक पूरी तरह से संपन्न और समग्र ज्ञान से ओतप्रोत जो राष्ट्र है उसके रूप में स्थापित करने की बात है, और इसमें पूरा देश, जैसा कि आपने कहा कि 99% लोगों ने इसके बारे में, और सही में चाहे वो ट्विटर हो, सोशल मीडिया हो, चाहे वो आर्टिकल्स हो, पेपर्स में इतनी भरमार है इसके बारे में, और इतना लोगों, क्योंकि ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति सर्वसमावेशी है, सब कुछ छूती है, इसमें विद्यार्थियों के लिए, इसमें शिक्षकों के लिए, इसमें संस्थाओं के लिए, इसमें अभिभावकों के लिए, और जैसा आप बार बार कहते हैं, मुझे लगता है कि ये परिवार केवल शिक्षा परिवार नहीं है, ये घर घर से जुड़ा हुआ परिवार है, और हर घर में हमारी उस तरह से पहुंच है। तो इसका अभिप्राय ये हुआ कि जो कुछ भी लिखा जा रहा है, देखा जा रहा है, सुना जा रहा है, जो रिएक्शंस आ रहे हैं, वह ये इंगित करते हैं कि जो पूरा का पूरा माता पिता है, अभिभावक है, शिक्षक है, शिक्षाविद है, संस्थाएं हैं, विद्यार्थी हैं, सबको लग रहा है कि शिक्षा नीति में ये हमारे लिए है, हमारे लिए और हमारे अच्छे के लिए, हमारे उज्जवल भविष्य के लिए है, कि भारत को सशक्त करने के लिए है, महाशक्ति के रूप में विश्व में स्थापित करने के लिए है। तो ये लोगों का विश्वास मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बात है, और ये अपने आप नहीं आता माननीय मंत्री महोदय, उसके लिए जो कुछ राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास हो रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, आपके द्वारा, राज्य मंत्री जी के द्वारा, आपकी पूरी टीम के द्वारा, उससे ये विश्वास अर्जित हुआ है, हम लोगों ने किया है, तो उससे आगे भी इस विश्वास को बनाए रखने के लिए ये हमारे लिए चुनौती है, और हम लोग इसको चुनौती को स्वीकार करते हैं,
जो आपकी अपेक्षाएं हैं उसके अनुरूप हम इसको क्रियान्वयन की दिशा में आगे करेंगे। हमने तो ऑलरेडी जैसा ही आपने कहा था उसी तरह जैसे ही 29 जुलाई 2020 जो शिक्षा जगत में एक ऐतिहासिक अवसर था और इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से, तत्काल उसके पश्चात हमने सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को लिख दिया था कि इसका पूरा प्रचार प्रसार करें, सोशल मीडिया पर करें, वेबिनार आयोजित करें। अब पुनः आज के बाद इसका पूरा सारांश निकाल करके हम सचिव का बना करके सभी विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों को भेजेंगे सार संक्षेप, और उनसे अपेक्षा करेंगे कि इसके आलोक में हर स्तर पर वो लोग अपने विश्वविद्यालय के स्तर पर महाविद्यालय के स्तर पर कार्य करें और क्षेत्र जोन वाइज और स्टेट वाइज हम विश्वविद्यालयों को चुनेंगे जहां पर कि हम लोग खुद वेबिनार इस बारे में कराएंगे। तो मुझे लगता है कि भविष्य की दिशा आज तय हो रही है हमें किस तरह से करना है। मुझे खुशी है कि जितने जितने विद्वानों से चाहे वो हमारा डॉक्टर कृष्ण से लेकर के उनका मार्गदर्शन रहा हो या जो दूसरे सत्र हो, जिन जिन लोगों से हमने अपेक्षा की और कम समय था, 2-3 दिन के समय के उसी में हम लोगों ने अंतराल में ही ये बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया है और उसमें सभी लोगों ने विद्वजनों ने इसमें बहुत सहयोग किया है। हमारे प्रोफेसर अनिल शास्त्री जी हम मौजूद हैं जिन्होंने की इसकी अध्यक्षता की एक सत्र की, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोफेसर के विजय राघवन साहब ने भी बहुत कम समय में हमारा यह आमंत्रण स्वीकार किया और श्रेष्ठ वक्ता इसमें रहे जिससे कि हम सभी को लाभान्वित हम लोग हुए। विश्वविद्यालयों की ओर से, महाविद्यालयों की ओर से, शिक्षाविदों की ओर से भी कुछ ऑब्जर्वेशन आई, उन सबको हम लोगों ने नोट किया है, उसके बेसिस पर पूरा इसकी एक प्रतिवेदन हम बना करके जल्द ही आपके सम्मुख रखेंगे और पूरे विश्वविद्यालयों के साथ शेयर करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री की जो विशेष बात जिन चर्चा आपने भी की है, मैं थोड़ा सा बातों संस्थान भी से जुड़े हुए हैं उन्हें ये रिट्रीट करना चाहूंगा कि उन्होंने प्रमुख रूप से इंटरेस्ट एबिलिटी एंड डिमांड्स मैपिंग इज ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंस इसकी चर्चा की और उन्होंने कहा कि वी मस्ट डेवलप द एबिलिटी ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, इनोवेटिव आइडियाज, पैशन, फिलोसफी ऑफ एजुकेशन, पर्पज ऑफ एजुकेशन इन अवर स्टूडेंट्स। कुल मिलाकर के दोनों ही चीजें होनी चाहिए विद्यार्थियों में, वो उसकी उन्होंने चर्चा की और उन्होंने कहा कि अवर एजुकेशन मस्ट बी इंक्वायरी, डिस्कवरी एंड एनालिसिस बेस्ड। ही ऑल्सो एम्फेसाइज दैट इंडिया कैन गिव सॉल्यूशंस टू टैलेंट एंड टेक्नोलॉजी इशू ऑफ द वर्ल्ड। तो ये एक चुनौती उन्होंने प्रस्तुत की है देश के विद्वानों के सामने, वैज्ञानिकों के सामने, शिक्षाविदों के सामने, हम सभी शैक्षणिक संस्थानों के सामने कि जो टैलेंट है, टेक्नोलॉजी है, उसके जो भी सॉल्यूशंस है वो विश्व को देने के लिए हमको आगे आना चाहिए। और दूसरा उन्होंने एक और बात प्रमुखता से कही है वो टेक्नोलॉजी के बारे में, क्योंकि वी हैव टू चेंज अवर माइंडसेट टुवर्ड्स फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी एंड कनेक्ट द लास्ट पर्सन स्टैंडिंग इन द सोसाइटी। मुझे याद आ रहा है इस समय पर माननीय मंत्री जी कि महात्मा गांधी जी एक बात हमेशा कहा करते थे, वो कहा करते थे कि मैं आपको एक जंतर देता हूँ कि जब कोई स्कीम या योजना आप लागू कर रहे हैं या सोच रहे हैं तो ये देख लें कि जो अंतिम छोर पर खड़ा हुआ व्यक्ति है वहां तक वो बात कैसे पहुंचेगी, उसको उससे लाभ क्या होगा। वो ऐसी ही कुछ बातें माननीय प्रधानमंत्री जी ने कही है, उन्होंने प्राचीन और नूतन के समागम की बात की है। और एक और जो महत्वपूर्ण बात जिसको आपने भी कहा है, मैं संस्थान लोगों से ये कहना चाहूंगा कि इसके लिए हमें माहौल बनाना पड़ेगा अपने संस्थानों में। ये मूल्यपरक शिक्षा, जीवन के मूल, शाश्वत जीवन मूल, पर्यावरण और संपुष्ट विकास के प्रति चिंता एकदम नहीं आती है, इसके लिए पूरा माहौल परिसर में बनाना पड़ता है। और इसलिए उन्होंने कहा कि हम विश्व मानव बनाए, वी शुड डेवलप द ग्लोबल सिटीजंस, बट एट द सेम टाइम वो डीपली रूटेड इन इंडिया हिस्ट्री, हेरिटेज एंड कंपोजिट कल्चर में भी वो रहने चाहिए और अपनी जमीन से जुड़े रहना चाहिए, अपने परिवेश से जुड़ा रहना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसलिए जो कुछ हमारा एंशियंट विजडम है, ट्रेडिशनल विजडम है, इंडिजिनस नॉलेज है, देशज ज्ञान है, परंपरागत जो हमारा ज्ञान है उसके बारे में भी लोगों की जानकारी होनी चाहिए और जो कुछ नया है मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पूरे विश्व में उसको भी हमें स्वीकार करना चाहिए। तो इस पूरे ज्ञान के आलोक में और आपका जो मार्गदर्शन आज हमको पूरे दिन भर मिला है उसके आलोक में हमें भविष्य में नई दिशाएं तय करनी होगी और उसके लिए पूरा रोड मैप बनाना होगा। मैं इस अवसर पर माननीय मंत्री जी आपके कुशल मार्गदर्शन के लिए, माननीय राज्य मंत्री जी,
उपस्थिति गवा में उपस्थिति और उनके मार्गदर्शन के लिए आपके प्रति मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं और मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं सभी अपने जो चेयरपर्सन हैं डिफरेंट सेशंस के उनके लिए और जो हमारे स्पीकर्स हैं और सबसे ज्यादा पूरे देश भर के संस्थानों के कुलपतियों प्राचार्यों शिक्षाविदों स्टेटरी बॉडीज के चेयरपर्सन मेंबर सेक्रेटरी विभिन्न विभिन्न केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों और विद्यार्थियों जिन्होंने की इस कार्यक्रम को सफल बनाया देखा है उन सबके प्रति मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ और यूजीसी की ओर से ये मैं आपको और पूरे देश के शिक्षा जगत को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जो कुछ भी अपेक्षाएं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आलोक में यूजीसी से होंगी उसको करने के लिए हम सदैव तत्पर रहेंगे समर्पण भाव से तत्पर रहेंगे। मेरी जो टीम यूजीसी की है जिन्होंने अहर्निश कार्य करते हुए इसको ये अंजाम दिया है उन सबके प्रति भी मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मंत्री जी आपको विनम्र प्रणाम, मंजूर भार्गव को भी प्रणाम और बाकी सभी जो लोग उपस्थित है उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद। इसी के साथ ही हम आज के इस कॉन्क्लेव का समापन करते हैं। मैं एमएचआरडी की तरफ से और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग परिवार की तरफ से सभी अतिथियों का सभी वक्ताओं का और सभी गुणी जनों का पुनः धन्यवाद व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि देशव्यापी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रचार प्रसार के अभियान में और उसके क्रियान्वयन के में आप सभी लोग हमारे सहयोगी बनेंगे। आप सभी को पुनः धन्यवाद।